हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th एसएसटी चैप्टर नंबर 4 विश्व का इतिहास को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में जर्मनी के एकीकरण को स्टार्ट कर दिया था। उसमें प्रमुख बाधाएं देख ली थी और आज हम जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ उस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप को जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है बिस्मार्क का योगदान। जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को, वो है बिस्मार्क का योगदान। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, बिस्मार्क के बलबूते पर ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर बिस्मार्क नहीं होता तो जर्मनी का एकीकरण नहीं होता। पहली बात तो यहाँ क्लियर कर लीजिए। तो इसलिए हमारे को बिस्मार्क के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से जर्मनी का जो एकीकरण है वो बिस्मार्क के योगदान पर ही क्या है, आधारित है। ठीक है ना, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिस्मार्क का योगदान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार 1 लाइक तो करना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आपका जो क्लास 10th का कोर्स है वो हमारे यहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक है ना, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, 6 सब्जेक्ट आपके पूरे कंप्लीट होंगे यहाँ पर। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से करना, मैं आपका जवाब दूंगा उस प्रश्न का, और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है ना, बस सब्सक्राइब करना बस चैनल को। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है अपने पास, बिस्मार्क का योगदान। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1861 ईस्वी में प्रशासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो जाने पर 64 वर्षीय विलियम प्रथम शासक बना। अब भैया हम प्रशासकों क्यों चुन रहे हैं, अगर जो स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहा है उसने यदि मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो उसको पता होगा कि हम प्रशा की बात क्यों कर रहे हैं, या उसने पढ़ा होगा तो हम प्रशा की बात क्यों कर रहे हैं। और जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि जर्मनी का जो सबसे सबसे शक्तिशाली जो हिस्सा है ना वो कौन सा था, प्रशा। हमने 3 हिस्सों पर चर्चा करी थी, उसमें से जो उत्तरी एरिया में, जो उत्तर के एरिया में स्थित है प्रशा, वो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है या शक्तिशाली भाग माना जाता है। तो जो 1861 में जो प्रशा पर राज्य कर रहे थे ना, जो राजा, उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी जब मृत्यु हो गई तो 64 वर्षीय विलियम प्रथम शासक बने। ठीक है ना, जो तो विलियम प्रथम का मस्तिष्क उतना विचारवान व तीक्ष्ण नहीं था, मतलब जो विलियम प्रथम शासक बने, किनके मृत्यु के बाद, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद विलियम प्रथम जब शासक बने तो उनका जो मस्तिष्क उतना विचारवान व तीक्ष्ण नहीं था, लेकिन उनमें, किनमें, विलियम प्रथम में योग्य व्यक्तियों को परखने की एक अनोखी प्रतिभा थी। योग्य जो व्यक्ति थे उनको परखने की एक अनोखी प्रतिभा थी। वे उदारवादी विचारों में विश्वास करता था, मतलब खुले विचारों में विश्वास करता था, लेकिन उसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण राजतंत्र एवं सुदृढ़ सेना के माध्यम से प्रशा ही कर सकता है। यानी उसको पूरा भरोसा था किसको, विलियम प्रथम को, कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो दो चीजों के बलबूते पर हो सकता है, पहला राजतंत्र से और दूसरा सुदृढ़ सेना के माध्यम से ही, और वो भी कौन कर सकता है, प्रशा ही कर सकता है जर्मनी का एकीकरण। इन दोनों विकल्पों को लेकर, कौन से, राजतंत्र और सुदृढ़ सेना, इन दोनों को लेकर ही प्रशा ही सिर्फ जर्मनी का एकीकरण कर सकता है। तो फिर क्या सोचा विलियम ने, देखें, प्रशा की सेना को सुदृढ़ करने के लिए बानरून को युद्ध मैत्री और वान मॉल्टेक को प्रमुख सेनापति बनाया। विलियम ने क्या करा कि प्रशा की सेना को सुदृढ़ करने के लिए बानरून को तो क्या बनाया, युद्ध मैत्री, और वान मॉल्टेक को प्रमुख सेनापति घोषित कर दिया। किसका, प्रशा की सेना का। ठीक है, क्लियर हुआ। और राजतंत्र के लिए किसको घोषित करा, देखो ये तो सुदृढ़ सेना को सुदृढ़ करने के लिए तो बानरून को युद्ध मैत्री और वोल्डेमॉर्ट को प्रमुख सेनापति अपन ने, किसने, विलियम ने निश्चित कर दिया। और राजतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या हुआ कि देखो, जब सैनिक सुधारों को लेकर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया, तब इस गतिरोध को दूर करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। अब चांसलर मतलब होता है कुलाधिपति, मतलब आप समझ सकते हो कि
कुल का अधिपति समझ सकते हो या फिर सलाहकार समझ सकते हो, कि जो विलियम काम करेगा ना, विलियम के रूप में कौन काम करेगा, सारा का सारा काम कौन करेगा, बिस्मार्क करेगा। ये था कुलाधिपति का मतलब। तो उसने विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर लिया राजतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए। और बिस्मार्क को क्यों करा, क्योंकि विलियम की जो सोच क्या थी, विलियम की जो योग्य व्यक्तियों को परखने की उसकी योग्यता थी, तो उसने योग्य व्यक्ति को परखा। तो इसमें क्या योग्यताएं थी बिस्मार्क में, जो उसने विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को ही चुना। तो देखिए, बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिज्ञ था, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था, तथा तीसरा कूटनीति कुशलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी व्यक्तित्व था, है ना। कूटनीति आती थी इसको, कूटनीति मतलब क्या होता है, अपनी बात को बनवाने के लिए दूसरे का यूज करना, और उस यूज को अगर मैंने दूसरे का यूज कराए तो अपने में भावना क्या है कि यार नहीं उसको भी थोड़ा हिस्सा दो, नहीं कूटनीति मतलब उसका भी बुरा चाहना, उसको भी रास्ते से हटा देना, ये होती है कूटनीति। तो ये कूटनीति के परिपूर्ण था बिस्मार्क जो था ना, आपको फोटो में दिख रहा है ये बिस्मार्क ही है, ये बिस्मार्क खतरनाक था बिल्कुल, कूटनीति में अव्वल दर्जे का खिलाड़ी था ये। तो क्या हुआ कि बिस्मार्क का मानना था कि 1848 से 1849 ईस्वी तक का जो समय राष्ट्रवादियों ने वाद विवाद में समाप्त कर दिया था ना, वह उनकी भूल थी। राष्ट्रवादियों की भूल थी सबसे बड़ी, कि उन्होंने 1848 से 1849 तक समय किसमें बर्बाद किया, सिर्फ वाद विवाद में। उसका मानना था, यानी बिस्मार्क का मानना था कि उस काल की मतलब उस समय की बड़ी समस्याएं भाषण और बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति से सुलझ सकती थी। रक्त और लौह की नीति यानी लड़ाई से, यानी युद्ध से हमारी ये सारी प्रॉब्लम में सुलझ सकती थी। बिस्मार्क ने इस कारण प्रशा को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए उसने क्या सोचा, अब बिस्मार्क ने कि अब प्रशा को शक्तिशाली राज्य बनाना है। तो एक राज्य शक्तिशाली कब बनता है, जब उसकी सेना शक्तिशाली हो, और सेना कब शक्तिशाली होती है, जब उसको खाने के लिए अच्छा हो, अच्छा मिले, है ना, भरण पोषण मिले, तो सेना में ज़्यादा लोग भर्ती होंगे, और ज़्यादा लोग कब भर्ती होंगे, जब राजा के पास यानी विलियम प्रथम के पास उनको खिलाने के लिए क्या हो, पैसे हो। तो उसको उस पैसे लाने के लिए यानी बजट तैयार करने के लिए संसद के निचले सदन द्वारा सैन्य बजट अस्वीकार करने पर बिस्मार्क सबसे पहले संसद के निचले सदन में गया, तो वहां पर उसका प्रस्ताव जो सैन्य बजट का था ना उसको अस्वीकार कर दिया। तो वहां पर उच्च सदन में गया, फिर संसद के उच्च सदन में गया, और वहां पर इस प्रस्ताव को यानी सैन्य बजट के प्रस्ताव को पारित करके उसने अपने दृढ़ता का यानी डिटर्मिनेशन का उसने परिचय करवाया कि मैं देखो अगर यहाँ काम नहीं होगा तो यहाँ काम करूंगा, लेकिन काम करके बताऊंगा। तो उसने सैन्य बजट को स्वीकार कराया, और प्रशा की जो सैन्य व्यवस्था थी वो कितनी सुदृढ़ हो गई और बहुत बढ़ती गई। फिर क्या हुआ, जर्मनी के एकीकरण का कार्य 3 चरणों में हुआ। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, जर्मनी के एकीकरण का कार्य 3 चरणों में हुआ। किन किन चरणों में हुआ वो आपके समक्ष है। पहला जो चरण था वो था डेनमार्क से युद्ध और गैस्टाइन की संधि, यानी डेनमार्क विशेष प्रशा, है ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा कि प्रशा ही जर्मनी के एकीकरण को संभव कर सकती है, और प्रशा के अंदर कौन, बिस्मार्क, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, डेनमार्क विशेष प्रशा हुई। फिर सेकेंड हुआ ऑस्ट्रिया विशेष प्रशा, और इन दोनों में संधि किसकी हुई, प्राग की संधि। फिर तीसरा हुआ फ्रांस विशेष प्रशा, जिसमें हुआ जिस युद्ध को हम कैसे फ्रेंको प्रशियन युद्ध, और जो इनके मध्य प्रसंधि हुई वो किसकी हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि। एक बार फिर से हो जाए, डेनमार्क विशेष प्रशा पहला स्टेप जिसमें गैस्टाइन की संधि हुई, दूसरा ऑस्ट्रिया विशेष प्रशा जिसमें प्राग की संधि हुई, और तीसरा फ्रांस विशेष प्रशा जिसमें फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। क्लियर है, स्टार्टिंग से बढ़ते हैं, स्टेप फर्स्ट लेते हैं डेनमार्क से युद्ध और गैस्टाइन की संधि से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए डेनमार्क एक राज्य है, ठीक है ना, डेनमार्क भी जर्मनी के इधर पास में ही है। अब देखो डेनमार्क से युद्ध और गैस्टाइन की संधि, इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या मिलेगा अपन को। देखो शेंसविंग तथा होनस्टाइन दो डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था, शेंसविंग तथा होनस्टाइन दो डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था, जो डेनमार्क था उस पर शेंसविंग तथा होनस्टाइन दो डचियों पर उसका अधिकार था, लेकिन ये डेनमार्क का अविभाज्य अंग नहीं थी, मतलब ये डेनमार्क से अलग थी, ठीक है ना, ये डेनमार्क से अलग थी, ये डेनमार्क में विलय नहीं थी, लेकिन इनका इन पर डेनमार्क का अधिकार था, ठीक है ना। ये मत समझ लेना कि अधिकार है तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें विलय है, विलय नहीं है, थोड़ा सा अलग है।
फिर क्या हुआ कि आप परिचय दे रहे हैं कि होस्टाइन और सैंक्सविंग, ये इनमें किस प्रकार की जनसंख्या रहती थी, यानी किस प्रकार के लोग रहते थे, मतलब किस मत के लोग रहते थे। तो देखिए, होस्टाइन की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी, होस्टाइन की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी। ये एक बहुत अच्छा मौका था बिस्मार्क के लिए। अभी देखना बहुत मजा आएगा कूटनीति से, किस प्रकार से जो बिस्मार्क है वो किस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण को करता है, वो देखना। मैं आपको बहुत अच्छे तरह समझाऊंगा, बस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। होस्टाइन की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी, साथ ही होस्टाइन जर्मन संघ का सदस्य भी था, यानी कि जो होस्टाइन था वो पूरी तरह जर्मन के लोगों से भरा हुआ था। और दूसरी तरफ जो सैंक्सविंग जो था ना, उसमें जर्मन लोग तो बहुमत थे ही, जर्मन लोग तो थे ही, लेकिन डैन लोग भी रहते थे, डेनमार्क के डैन लोग भी रहते थे। और जो डैन लोग थे ना, डैन लोग जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे, यानी डैन लोग चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो। तो अब देखो क्या हुआ कि इसी बीच जब ये खिचड़ी पकड़ी थी, इसी बीच क्या हुआ कि 1852 में लंदन में हुए सम्मेलन में यूरोप के शासकों ने, यूरोप एक पूरा है जिसमें जर्मनी वर्मनी सब आते हैं, तो यूरोप के शासकों ने डेनमार्क का अधिकार इन डचियों पर इस शर्त पर माना कि हम मान रहे हैं कि डेनमार्क का पूर्णतः अधिकार इन दोनों डचियों पर तभी होगा कि भविष्य में डेनमार्क इनको अपने में विलय नहीं करेगा, तभी हम इनको क्या दे रहे हैं, एक अधिकार दे रहे हैं कि इन दोनों डचियों का आपका दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इस शर्त पर हमने क्या, वो जो 1852 में लंदन में हुए सम्मेलन में यूरोपीय शासकों ने डेनमार्क का अधिकार इन डचियों पर इस शर्त पर माना कि भविष्य में डेनमार्क इनको अपने में विलय नहीं करेगा, तो हम इनको अधिकार देंगे इन श्लेसविग और होस्टाइन पर अधिकार करने का। लेकिन ये जब कार्य हुआ इसके 10 वर्ष बाद ही, यानी 1863 में ईस्वी में डेनमार्क के शासक, जो डेनमार्क के नए राजा हुए फ्रेडरिक, ने इन दोनों रियासतों पर अधिकार कर लिया, यानी इन दोनों रियासतों को अपने में मिलाने की कोशिश करी तो यूरोप के जो शासक थे उनको गुस्सा आया कि भाई हमारी जो शर्त थी इसका तो उल्लंघन कर रहा है। तो ये जो शर्त थी ना, इसका फायदा उठाया किसने, बिस्मार्क ने। ये जो प्रश्न हुआ ना कि फ्रेडरिक ने अपने आप में डेनमार्क का शासक था फ्रेडरिक, उसने इन दोनों श्लेसविग और होस्टाइन को दोनों को इसमें मिलाना चाहा, किसमें, डेनमार्क में। तो क्या हुआ, ये बिस्मार्क के लिए बहुत अच्छा प्रश्न था। तो आगे वाला पैराग्राफ क्या कहता है, देखो, इस प्रश्न पर बिस्मार्क को राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता दिखाने का अवसर मिला, और किस प्रकार मिला देखना। बिस्मार्क इस अवसर का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर करके जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता, जर्मन संघ यानी जर्मन यूनियन, यानी जर्मन एकता को समाप्त करना चाहता था। और जर्मन जैसे ही एकता समाप्त होगी और उसके अंदर जिस प्रकार से जर्मन यूनिफिकेशन होगा, तो अलग एक बनाएगा। अब बिस्मार्क का क्या है, एक आइडिया है कि अब हम क्या करेंगे, जर्मन का एक अलग ही उत्तर परिसंघ बनाएंगे और उसके अंदर से ऑस्ट्रिया जो है ना उसको हटा देंगे, तब क्या होगा, हमारा प्रशा रहेगा और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। ये था बिस्मार्क की कूटनीति का एक माइंड सेटअप। तो क्या हुआ कि इस प्रश्न पर बिस्मार्क को राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता दिखाने का अवसर मिल गया, किस प्रश्न पर, 10 वर्ष बाद डेनमार्क के जो शासक थे फ्रेडरिक ने इन दोनों रियासतों को मिलाया, तो इस प्रश्न पर, ठीक है ना, ध्यान होना चाहिए प्रश्न में। तो इस पर इसने क्या करा बिस्मार्क ने, वो देखो, बिस्मार्क को अपने प्रयासों में सफलता मिली और जनवरी 1864 में, ठीक एक साल बाद ही है ना, 1863 में तो इसने मिला लिया था, और ठीक एक साल बाद जनवरी 1864 ईस्वी में दोनों डचियों को लेकर प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता हुआ। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर जो बिस्मार्क है वो जर्मनी में से ऑस्ट्रिया को हटाना चाह रहा है, लेकिन उसी का ही सहारा लेकर वह डेनमार्क को भी हराना चाह रहा है। तो 1864 में दोनों डचियों को लेकर, यानी दोनों डचीज कौन से, श्लेसविग और होस्टाइन, दोनों को लेकर ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य समझौता हुआ, जिसमें दोनों रियासतों पर डेनमार्क के अधिकार अस्वीकार कर अंतिम चेतावनी देने का निश्चय किया, बोल दिया कि अगर तुमने इनको मिलाया, किनको, डेनमार्क को चेतावनी दे दी, डेनमार्क यानी फ्रेडरिक को, डेनमार्क का जो शासक था फ्रेडरिक को चेतावनी दे दी कि भाई तू या तो इसको हटा दे, किसको, श्लेसविग और होस्टाइन को, दोनों को बस अधिकार रख, विलय मत कर, तो तू बच जाएगा, नहीं तो हम तेरे पे आक्रमण करके इन दोनों को हड़प लेंगे, किनको, श्लेसविग और होस्टाइन, इन दोनों डचियों को हड़प लेंगे। लेकिन जो
डेनमार्क था उसने नहीं मानी, तो डेनमार्क ने नहीं मानी तो क्या हुआ, ये समझौता बिस्मार्क की विजय थी। और ये जो समझौता करा ना ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य जो समझौता हुआ दोनों डचीज को लेकर, ये समझौता बिस्मार्क की क्या थी, विजय थी। फरवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना ने मतलब नहीं माना, डेनमार्क नहीं माना, उसने नहीं अपनी पदवी छोड़ी, तो क्या हुआ फरवरी 1864 ईस्वी में, जनवरी फरवरी यानी जनवरी में, तो 1864 ईस्वी में दोनों डचियों में क्या हुआ, दोनों डचियों को लेकर प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता हुआ। और ठीक एक महीने बाद यानी फरवरी में 1864 ईस्वी में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने दोनों ने मिलकर डेनमार्क पे युद्ध कर दिया और युद्ध करा, युद्ध कर दोनों को हरा दिया। दोनों ने किसको हरा दिया, डेनमार्क को हरा दिया, और डेनमार्क को हरा दिया तो दोनों डची सब किसके हो गए, प्रशा और ऑस्ट्रिया के। तो अब क्या हुआ, दोनों डचियों के अधिकार को लेकर अब कौन किसका होगा, होल्स्टाइन किसका होगा, शेंसविक किसका होगा, ये इन बातों को लेकर, दोनों डचियों के अधिकार को लेकर 14 अगस्त 1865 यानी ठीक एक साल बाद ही गेंस्टाइन नामक स्थान पर विलियम और फ्रांसिस जोसेफ, अब विलियम कौन था, विलियम प्रथम मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कौन था, फटाफट बताइए, देने होने चाहिए, विलियम प्रथम कौन था, विलियम प्रथम प्रशा का कौन था, शासक था, और फ्रांसिस जोसेफ कौन था, फटाफट बताइए, फ्रांसिस जोसेफ ऑस्ट्रिया का शासक था। और इन दोनों शासकों के मध्य क्या हुई, समझौता हुआ, और जहां समझौता वो स्थान क्या था, गेस्टाइन, और जो समझौता हुआ उसका नाम क्या था, गेस्टाइन समझौता। और दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इस समझौते के अनुसार होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को, होल्स्टाइन तो किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, और शेंसविक प्रशा को दे दिया गया, तथा लावेनबुर्ग की डची प्रशा को भेज दी गई, कील नामक बंदरगाह पर प्रशा के किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया। आप देखिए ये बहुत बड़ी कूटनीति करी है यहाँ पर बिस्मार्क ने, ध्यान से समझिए कि होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को दे दिया, ये इसका बात समझ रहे हैं आप। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि होल्स्टाइन में अधिकांश जनसंख्या कौन रहती थी, जर्मनी लोग रहते थे, और जर्मनी जो लोग थे वो जर्मनी के एकीकरण में सहायक थे। तो यहाँ पर ये जो जर्मनी के ऑस्टाइन तो था एक तरीके से जर्मनी का ही भाग, उसने ऑस्ट्रिया को दे दिया और शेंसविक प्रशा को दे दिया गया। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, कील नामक बंदरगाह और ये सब प्रशा को दे दिए गए, और ये उस समय के कील नामक बंदरगाह और लावेनबुर्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, मतलब सैन्य शक्ति से बहुत, एक राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते थे, और ये सब कहाँ दे दिया गया, प्रशा को दे दिया गया, और ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया गया, होल्स्टाइन, जो कि पहले से ही ऑस्ट्रिया का विरुद्ध है, होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया के विरुद्ध है, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी के एकीकरण में एक प्रमुख बाधा है। ऑस्ट्रिया जो है, जब हमने प्रमुख बाधाएं पढ़ी थी उसमें ऑस्ट्रिया भी था, और ऑस्ट्रिया एक जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधा है, और प्रमुख बाधा है इसके हिसाब से हम देखें तो होल्स्टाइन जो है, होल्स्टाइन में सारे लोग जर्मनी में रहते हैं और जर्मन लोग रहते हैं, और जर्मन लोग चाहेंगे कि हम जर्मनी में जाएं, हम प्रशा में मिलें, तो इससे क्या होगा कि होल्स्टाइन और ऑस्ट्रिया में लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो आगे देखते हैं क्या होगा, देखना बहुत मजा आने वाला है। और ये सब किल नामक बंदरगाह पर प्रशा को किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया, ये तो हुआ। फिर गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल, देखो आ गया ना, गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं समझ में आया ना तो पोस्ट करके एक बार पीछे चले जाना, फिर से पीछे से स्टार्ट कर लेना, नहीं समझ में आए तो, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी। फिर क्या हुआ, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ होल्स्टाइन के आगामी प्रश्न पर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। देखो वो ही कह रहा था ना मैं, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ, यानी अब क्या होगा, ऑस्ट्रिया विशेष होल्स्टाइन होगा, अब क्या होगा, ऑस्ट्रिया विशेष होल्स्टाइन क्यों होगा, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या तो यार होल्स्टाइन में किसकी है, जर्मन संख्या है, और ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी एक जो जर्मनी का एकीकरण है उसका विरुद्ध है, तो यार युद्ध तो होना ही है ना। तो अब क्या हुआ, देखो ये तो हुआ डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन के संधि, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब सेकंड टॉपिक क्या है, होल्स्टाइन वर्सेस ऑस्ट्रिया, और होल्स्टाइन किसका हिस्सा है, प्रशा का। तो मोटे मोटे तौर पर क्या होगा, प्रशा वर्सेस ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रशा, कुछ भी कह लो, अब ये होगा। तो देखो अब अपन चलेंगे सेकंड टॉपिक, ऑस्ट्रिया प्रशा से युद्ध और प्राग की संधि। ये देखो बिस्मार्क का दूसरा कदम गेस्टाइन समझौते के बाद ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना था,
ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना था। बिस्मार्क ने एक और तो युद्ध की तैयारी शुरू कर दी बिस्मार्क ने एक और तो युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी तथा दूसरी ओर कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया को यूरोपियन राष्ट्रों से यानी रूस, फ्रांस, पोलैंड और ये जो सब राष्ट्र थे ना, इन सबसे सहायता ना मिले इसके प्रयास भी शुरू कर दिए थे। इन कार्यों के लिए अभी उसे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी उसके अनुकूल था। ये सारे काम करने के लिए उसको मैंने आपको पहले बताया था बिस्मार्क को अंतर्राष्ट्रीय जो सूचनाएं थी उसकी बहुत अधिक ज्ञान था। तो उसको पता था कि ये सारा काम करने के लिए ऑस्ट्रिया को यूरोपियन राष्ट्रों की सहायता ना मिले, ये कार्य करने के लिए अभी अनुकूल समय है, यानी एक ठीक समय है। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड यूरोपीय राज्यों में हस्तक्षेप ना करने की नीति पर चल रहा था इस समय। ये जो समय था ना, इस समय यूरोपीय जो राज्य थे ना, उसमें इंग्लैंड का क्या था कि अभी वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो एक तरफ से तो यूरोपीय राष्ट्र फ्री हो गए। फिर क्या हुआ, यूरोपीय राष्ट्र में रूस की सहानुभूति पोलैंड में चल रहे विद्रोह में सहायता कर प्राप्त कर ली। यह प्रशा ने क्या करा कि जो रूस की सहानुभूति ले ली पोलैंड में चल रहे विद्रोह में सहायता कर, ठीक है ना, मतलब रूस एक तरह से प्रशा के साथ हो गया, ठीक है, पहली बात तो ये। फिर फ्रांस को राइन के प्रदेश का कुछ भाग देने का वादा कर तटस्थ रहने के लिए तैयार कर लिया, यानी आप कुछ नहीं करोगे। फ्रांस को कह दिया गया आप कुछ मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम आपको ये सब, यदि ऑस्ट्रिया से हम जीत गए ना, यदि हम ऑस्ट्रिया से जीत गए तो सारा हमारा ही हो जाएगा। तो उसमें से आपको जो राइन है ना, राइन के जो प्रदेश है, राइन एक नदी का नाम है, जो राइन नदी के जो प्रदेश है, जो भूमि है, वो आपको दे दी जाएगी। तो इस बात पे अंडरलाइन कर लीजिए, खतरनाक तरीके की लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन कही गई है। फ्रांस को राइन के प्रदेश का कुछ भाग देने का वादा कर तटस्थ रहने के लिए तैयार कर लिया। ये किसने कहा था फटाफट बताइए। ये कहा था हमारे बिस्मार्क भाई ने क्या बोला कि फ्रांस आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको राइन के सारे प्रदेश दे देंगे, राइन के जो प्रदेश है वो आपको दे देंगे। ये ध्यान रखना, ये लाइन आगे के पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से विस्तृत करेगी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फ्रांस को भी अपनी तरफ मिला लिया, रूस को भी अपनी तरफ मिला लिया। अब क्या हुआ कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था, जो इटली था उसके एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था, तो इटली को भी अपनी तरफ मिला लिया। 1866 ईस्वी में प्रशा और सार्डिनिया में समझौता हुआ, जिसके अनुसार सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है तो वेनेशिया उसे दिलवा दिया जाएगा। अगर युद्ध में प्रशा का साथ सार्डिनिया ने दिया तो ऑस्ट्रिया से जीतने के बाद सार्डिनिया को वेनेशिया दे दिया जाएगा, इस बात पर यह समझौता हुआ। अब प्रशा के पास यानी बिस्मार्क ने किस किस को अपनी तरफ मिला लिया, रूस को अपनी तरफ मिला लिया, फ्रांस को अपनी तरफ मिला लिया और इटली में सार्डिनिया को अपनी तरफ मिला लिया। आपको बताने की जरूरत है क्या कि रूस को क्यों मिलाया, अपनी तरफ कैसे मिलाया, पोलैंड में जो रूस का पोलैंड में चल रहा युद्ध था ना, पोलैंड में चल रहा जो युद्ध था उसमें सहायता देकर उसको अपनी तरफ मिला लिया। फिर फ्रांस को राइन के प्रदेश देने के लिए अपनी तरफ मिला लिया और सार्डिनिया में वेनेशिया को देने के लिए अपने अंदर अपना दोस्त बना लिया, ठीक है ना। इतनी बात कंप्लीट हुई। अब क्या होगा, अब देखो भयानक युद्ध होने वाला है। अब जब होनस्टाइन में जर्मन लोग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे तो बिस्मार्क गुप्त रूप से उन्हें समर्थन दे रहा था। अब भाई जिन लोगों ने अभी तक अच्छी तरह से वीडियो नहीं देखा है उनको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि होनस्टाइन में जो जर्मन लोग थे वो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन क्यों कर रहे थे। अरे भाई, आंदोलन इसलिए कर रहे थे क्योंकि होनस्टाइन में अधिकतर जनसंख्या कौन सी थी, जर्मन की थी। तो जर्मन लोग जर्मन के एकीकरण में सहायक तत्व थे और ऑस्ट्रिया था कौन, प्रमुख बाधा थी। तो एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, तो दोनों में भिड़ंत होने वाली थी, तो दोनों में भिड़ंत हुई और भिड़ंत में अग्नि में घी डालने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, बिस्मार्क चोरी छुपके मतलब गुप्त रूप से जर्मन में, मतलब होनस्टाइन में जो जर्मन लोग थे उनका समर्थन कर रहा था। और दूसरी ओर ऑस्ट्रिया होनस्टाइन में ड्यूक ऑफ अंगस्टस वर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया में प्रशा में युद्ध प्रारंभ हो गया, है ना। यहां पर प्रशा किसकी मदद कर रहा है, होनस्टाइन में जर्मन लोगों की, और ऑस्ट्रिया किसमें, ऑस्ट्रिया
जो ऑस्ट्रिया है ना होनस्टाइन में ड्यूक ऑफ अंगस्टन के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत पक्षों को क्या कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया में प्रशांत में युद्ध प्रारंभ हो गया, इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया में प्रशांत में युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन 3 जुलाई 1866 ईस्वी को सेडोवा कॉनी ग्राज का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पूर्ण रूप से पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया व प्रशा के मध्य 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग की संधि हुई। होनस्टाइन डची यानी अब क्या हुआ कि ये होनस्टाइन ने यानी प्रशा ने किसको हरा दिया गया, हरा दिया ऑस्ट्रिया को, हरा दिया। और 23 अगस्त 1866 प्राग की संधि हुई और होनस्टाइन डची प्रशा में शामिल हो गई तथा प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ बनाया गया जिसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया। जैसे जैसे बिस्मार्क चाहता था वैसा वैसा ही हुआ। बिस्मार्क चाहता था कि ऑस्ट्रिया को परिसंघ, जर्मन परिसंघ में से हटा दिया जाए, वो हुआ। और बिस्मार्क चाहता था कि होनस्टाइन प्रशा में मिला लिया जाए, वो भी हो गया। अब क्या ठीक है, कंप्लीट हुआ या हार गए? अब अपन चलेंगे थर्ड स्टेप, फ्रेंको प्रशियन से युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि, मतलब फ्रांस वर्सेस प्रशा। अरे भाई, अब कुछ लोग पूछेंगे कि फ्रांस वर्सेस प्रशा क्यों हो रहा है? अरे भाई क्यों, क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा कि फ्रांस को तो प्रशा ने क्या बोला था कि राइन का भाग दे देंगे यदि हम ऑस्ट्रिया से जीत जाएंगे। तो क्या हुआ देखते हैं। देखो, फ्रांस को यह आशा थी कि प्रशा ऑस्ट्रिया के तटस्थ रहने पर उसे राइन का कुछ प्रदेश मिल जाएगा, है ना, जिससे उसकी सीमा राइन नदी तक हो जाएगी। लेकिन बिस्मार्क ने इसकी उपेक्षा की, यानी बिस्मार्क ने इसको मना कर दिया। बिस्मार्क ने राइन का कुछ भी भाग फ्रांस को नहीं दिया और इससे फ्रांस को गुस्सा आ गया। लेकिन यही कारण नहीं था फ्रांस और प्रशा के मध्य युद्ध होने का, और भी कारण थे। पहला कारण तो आपको पता चल जाना चाहिए कि राइन का कुछ भी भाग नहीं दिया किसने, बिस्मार्क ने फ्रांस को। पहली कारण, प्रशा की विजय उत्तरी जर्मन संघ परिसंघ बनने से फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। ये दूसरा कारण था कि ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रशा हुई जिसमें प्रशा जीती। प्रशा जीतने के बाद जो बिस्मार्क था उसने उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाया जिससे कि फ्रांस की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी ना उसको आघात पहुंचा, दूसरा कारण। उधर फ्रांस के राजनीतिज्ञ सेडोवा का प्रतिशोध लेने की मांग कर रहे थे। ये तीसरा कारण। और चौथा, नेपोलियन तृतीय अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था और इसके कारण उसने क्या करा, कालांतर में युद्ध दोनों राष्ट्रों को अपनी अपनी समस्या का समाधान नजर आ रहा था। यानी अब लगा प्रशा और किसको, प्रशा और फ्रांस को लगा कि अब तो युद्ध, ये जो सारा मामला चल रहा है, खिचड़ी जो पक रही है, उसका जो एक ही हल है, युद्ध, सीधे मुंह युद्ध करो और जो हारा उसका सब, जो हारा उससे छीन लेंगे सबको और जो जीता उसका सब कुछ हो जाएगा, ये अब उनको लगा। तो क्या हुआ आगे देखें, आगे क्या हुआ कि नेपोलियन तृतीय ने लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा। नेपोलियन तृतीय यानी फ्रांस की तरफ से लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा गया। जर्मनी के राष्ट्रवादियों, समाचार पक्षों एवं राजनीतिज्ञों ने लग्जमबर्ग फ्रांस को देने से मना कर दिया। लो भैया, लग्जमबर्ग देने से मना कर दिया नेपोलियन तृतीय को, यानी फ्रांस को लग्जमबर्ग देने से मना कर दिया। ये लो पांचवा कारण। दूसरा, तनावपूर्ण प्रश्न स्पेन के राजगद्दी को लेकर हुआ जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। यानी कि यहाँ बात हो रही थी कि स्पेन पर कौन राज करेगा, प्रशा करेगी, प्रशा के विलियम करेंगे या फ्रांस के नेपोलियन तृतीय करेंगे, प्रशा के विलियम प्रथम करेंगे या फ्रांस के कौन करेंगे, नेपोलियन तृतीय करेंगे। अब स्पेन की राजगद्दी को लेकर झगड़ा हुआ जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए और अंत में युद्ध के नगाड़े बज गए। तो देखो, 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस व प्रशा के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। जर्मनी सेनाओं ने फ्रांस पर तीनों ओर से आक्रमण करा। विसेनबर्ग किस प्रकार, तीनों ओर से कहां से, मतलब विसेनबर्ग, ग्रवलाट के युद्धों में फ्रांस की पराजय हुई। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 2 सितंबर 1870 ईस्वी को हुआ जिसमें प्रशा के सेनापति बॉन मॉल्टेक, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, हमने क्या पढ़ा था कि बॉन मॉल्टेक को क्या बनाया गया था, सेनापति बनाया गया था प्रशा की जो वो थी ना सेना, उसका सेनापति बनाया गया था बॉन मॉल्टेक को। तो बॉन
बॉन मॉल्टेक ने फ्रांसिस सेना को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वाटसराय के विख्यात महल में बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया। 28 फरवरी 1871 को प्रशा फ्रांस युद्ध समाप्त हो गया। 21 फरवरी 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि पर दोनों देशों के प्रतिनिधित्व के हस्ताक्षर हुए, है ना, इसको हटाते हैं, हस्ताक्षर हुए। इस संधि में फ्रांस को मेज व स्टाम वर्ग सहित अलसास व लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े, यानी कि फ्रांस के जितने भी जो मुख्य मुख्य जो स्थान थे ना वो जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस को युद्ध हार जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए बातें किया, जो 3 वर्ष में चुकाने थे। अब कहा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण, रक्त और लोहे की नीति, बिस्मार्क के दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस तथा कूटनीतिक कुशलता के कारण ही हो सका जर्मनी का एकीकरण। अगर ये नहीं होते तो कुछ नहीं होता। आज हमने जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट करा, जर्मनी का बिस्मार्क का योगदान कंप्लीट करा, और ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, बिल्कुल पक्की तरह समझ में आ जाएगा। और लास्ट पार्ट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।